भी काफ़ी व्यवस्था रही, इसलिए हम अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता आगे लेकर जाना है, यहाँ की विकास की नींव स्वर्गीय राजा वीर भद्र सिंह जी ने रखी है। उन्होंने यहाँ का पहला विधायक शिमला ग्रामीण का वो बने, मुख्यमंत्री थे और उन्होंने यहाँ पे करीबन 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण में पिछले हमारे कांग्रेस की पिछली सरकार में करवाए, और विपक्ष में रहते हुए भी हमने पिछले 5 साल लगातार शिमला ग्रामीण की आवाज़ को मजबूती से उठाया, और विपक्ष में रहते हुए भी करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर किए। आज एक नई जिम्मेवारी के साथ मुझे अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ शिमला ग्रामीण में विकास करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी, उसके लिए हम आम चर्चा भी यहाँ पे लोगों से करेंगे, और जो विकास कार्य पिछले कुछ समय से जो रुक गए थे उनको कैसे गति देनी है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। जो हमने रोजगार की बातें अपने क्षेत्र में चुनावों के समय में करी है उसको कैसे अमली जामा पहनाना है उसके ऊपर भी चर्चा होगी, और भी जो बातें हमारे क्षेत्र के लोग कहेंगे उसके ऊपर एक सकारात्मक चर्चा करके आने वाले समय में उसे पूरा करने का हम हर संभव प्रयास जो है वो सबके आशीर्वाद के साथ, सबके सहयोग के साथ और सबके समर्थन के साथ करने का पूरा प्रयास करते हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16